हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BH क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं PSPCM की। आपको कल बता दिया गया था कल वाली वीडियो में, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसे चेक कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी हैं। तो उन डेट्स को लिए कब है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए और कल वाली वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, तो हम बात करते हैं PSPCL में कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। PSPCL यानी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखते हैं हम किस किस डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी। आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, अपने रेडी कर लीजिए। ये ना हो कि आपके पास डॉक्यूमेंट ना हो और इस लॉकडाउन में आपको कहीं पे दोबारा बार बार में जाना पड़े। ओके, अगर नहीं होता कोई डॉक्यूमेंट तो आपको 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं, बट हम पहले से ही रेडी होकर जाएँ ताकि हमें दोबारा कोई नीड ना पड़े। ओके, तो उसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो है CRA 293-19 और 294-19 वालों के लिए। ठीक है, जिसमें कौन कौन आएंगे, सुपरिटेंडेंट आ जाएंगे, LDCs आ जाएंगे। ठीक है, और जो JEE वाले हैं, इलेक्ट्रिशियन, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो आ जाएंगे, ग्रेड सेकंड वाले, उन सब के लिए। ओके, किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड है, कहता है कि उन सबको ये डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने हैं। असल सर्टिफिकेट दस्तावेज जिहड़े कमेटी सामने पेश करने हैं। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, विज्ञापन विच निर्धारित विद्यक योग्यता अनुसार हेड दर्शाए सर्टिफिकेट दस्तावेज पेश किए जान, आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। कौन कौन से, जन्म मिति दर्शाऊंगा, मैट्रिक 10वीं का सर्टिफिकेट यानी आपको 10th की एक मार्कशीट दिखानी है जिसमें आपकी बर्थ डेट होना जरूरी है। ओके, ये याद रख लेना, बर्थ डेट होना जरूरी है। मैट्रिक पत्र 10वीं पद्धर दी घटो घट पंजाबी पास कर दे सबूत वजो सर्टिफिकेट, यानी उसमें पंजाबी सब्जेक्ट होना जरूरी है, आपकी पंजाबी जो आपकी क्लियर होनी जरूरी है। ओके, पंजाबी का आपका 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। 10th सर्टिफिकेट लेना है जिसमें आपकी बर्थ डेट हो और आपकी पंजाबी के लिए मेंशन हो। ओके, आगे विज्ञापन विच निर्धारित विद्यक योग्यता अनुसार DSC अते डिग्री पास सर्टिफिकेट, आपकी जो विज्ञापन में निर्धारित योग्यता थी यानी आपकी क्या थी, ग्रेजुएशन तक थी, है ना, तो आपको 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, और डिग्री, ये आपको चाहिए होगी, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री। ओके, नेक्स्ट है आपने कोई डॉक्यूमेंट, ओ लेवल, केड़ा ओ लेवल, 120 घंटिया का कंप्यूटर सर्टिफिकेट सिर्फ LDC की आसामी वास्ते, जिहड़े जिहड़े LDC के कैंडिडेट्स हैं, जो LDC के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। या तो आपके पास ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट 120 घंटे की अवधि वाला, ओके, 120 आवर्स की अवधि वाला आपके पास कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो क्या है, अनुसूचित जाति नाल संबंध रखने वाले उम्मीदवारों के समर्थ अधिकारी वालों अनुसूचित जाति का जारी किया सर्टिफिकेट, यानी जो SC ST कास्ट दे हैं उन्होंने वास्ते सर्टिफिकेट, जहाँ ये सर्टिफिकेट पंजाब सरकार वालों नामजद किए गए हो या फिर पंजाब सरकार के द्वारा ये चीज़ किया हो, अधिकारियों वालों जारी किया होना चाहिए, जिन्हों को सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी हो, जो ये सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। ओके, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनवैलिड सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के जारीकर्ता दफ्तर की स्टैंप और जारी करने की मिति नंबर भी दर्शाया जाना जरूरी है, उसके ऊपर सब मैंशन होना चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है OBC के कैंडिडेट्स के लिए पिछड़ी श्रेणी नाल संबंध रखने वाले उम्मीदवार पंजाब सरकार राही घोषित की गई पिछड़ियाँ जातियों नाल संबंधित सर्टिफिकेट पंजाब सरकार वालों नामजद किए अधिकारियों वालों जारी किया हो। देखिए, अदर स्टेट के लिए, अदर स्टेट वालों को OBC में आपको कोई भी इसमें रिजर्वेशन नहीं मिला था, है ना, तो जो पंजाब सरकार के, पंजाब सरकार के OBC कैंडिडेट्स वास्ते उन्होंने वाला उन्होंने सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिन्हों को सर्टिफिकेट जारी करने की अथॉरिटी हो वहीं का बना होना चाहिए, एंड क्रीमी लेयर विच ना होने का भी घोषणा पत्र होना चाहिए। जो इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट हैं वो मैं आपको नीचे अभी बता दूंगी। ओके, तो क्रीमी लेयर में आप नहीं होने चाहिए, इसका भी आपको एक डॉक्यूमेंट देना है और आपका OBC सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ओके, उस तो बाद जोड़े है डॉक्यूमेंट है वो है साबका फौजी जो उन्होंने निर्भर बच्चों लिए, जो फौजी हैं रिटायर्ड हैं उनके लिए, साबका फौजी को जारी हुई असल डिस्चार्ज बुक, आपके डिस्चार्ज की वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिला सैनिक भलाई अफसर वालों जारी किया LDC उनका लीनियर डिसेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, साबका फौजी और उसके आश्रित बच्चे वालों हल्फिया बयान, उसके लिए जो आपका प्रारूप है, जो आपका अनेक्स्चर है, वो आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, किस डॉक्यूमेंट को आपको फिल करना है उनके लिए। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है स्वतंत्रता सेनानी वास्ते, जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे हैं,
या फिर धोते धोती हैं उनके लिए। इस कैटेगरी नाम संबंध रखने वाले उम्मीदवारों ने संबंध डिप्टी कमिश्नर वालों जारी किया सर्टिफिकेट होना चाहिए असली का, समेत हलफनामा बयान भी होना चाहिए। ओके, आपको साथ में बयान भी देना पड़ेगा। फिर है जो डॉक्यूमेंट है वो है खिडारी उम्मीदवार वास्ते। इस कैटेगरी नाल संबंध रखने वाले उम्मीदवार डायरेक्ट स्पोर्ट्स पंजाब चंडीगढ़ वालों जारी किया गया ताडे कोल स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए है। ओके, अंगहीन उम्मीदवार वास्ते पीडब्ल्यू डॉक कैंडीडेट्स वास्ते उम्मीदवार अंगहीन सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल बोर्ड वालों जारी किया हो अपंगता घट्टो घट 40% हो 40% तो घट अपंगता नहीं चलेगी पेश करेंगे उस वास्ते जो डॉक्यूमेंट है वह तुम नीचे मिल जाएगा। इस तो अलावा एक फोटो जिस विच उन्हां दी अपंगता साफ और स्पष्ट दिसदी हो एक ऐसी फोटो तुहानू लैके जानी है जिंदे विच तुहाडी अपंगता दिखती होवे। ओके, जेकर उम्मीदवार दस्तावेज चैकिंग समय लोड़ींदे विधिक योग्यता सर्टिफिकेट मुकम्मल रूप विच पेश नहीं किते नहीं करनदे या अता पीसीएस पीसीएल वालों उन्हां दी पात्रता रद्द की जा सकती है। देख लो भी सारे जने मिलके कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपकी पात्रता खत्म की जा सकती है और कि आपकी जॉब जा सकती है, तो इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने प्रिपेयर कर लीजिए। और उन्होंने क्या बोला, EWS सर्टिफिकेट जो जो लोग EWS सर्टिफिकेट बनाते हैं उनके लिए है। हर एक रिजर्व कैटेगरी नाल संबंधित उम्मीदवार वालों डोमिसल सर्टिफिकेट पेश करना लाजमी होगा। और आपको क्या लेके जाना है, आपका डोमिसल सर्टिफिकेट मूल निवास आपके पास होना जरूरी है जो कि 1/1/2019 तो पुराना ना होवे। ये सब किसके लिए है, ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है। जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते उनको ये डॉक्यूमेंट लगाने की नीड नहीं है। ओके, क्यों उन्होंने नीड है, क्योंकि ओबीसी वाले ने तो दिता ही नहीं है ना, बाहर दी स्टेट वाले तो जेडे पंजाब वाले उन्होंने आपका डोमिसल सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। दस्तावेज चैकिंग दे पेश किए जाने वाले असल सर्टिफिकेट दस्तावेजों के नाल उन्हों की एक एक फोटो कॉपी भी उम्मीदवार लेके आनी है। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आने हैं और उसके साथ एक एक कॉपी भी होनी चाहिए। ओके, असल फोटो आई डी सबूत थोड़ा एक फोटो आई डी प्रूफ होना चाहिए। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए होंगे। फिर देख लो भी जेड़े जेड़े कास्ट सर्टिफिकेट वास्ते जिन्होंने चाहिए सी प्रारूप जोड़ा परफॉर्म आ इस परफॉर्मेंस तुम्हें फिल करना है कास्ट सर्टिफिकेट वाले वास्ते SC ST वाले वास्ते। फिर जोड़ा है वो है थोड़े वास्ते OBC वास्ते तुम्हें ये सर्टिफिकेट फिल करना है। ओके, फिर यही बैकवर्ड क्लास वास्ते भी तुम्हें ये सर्टिफिकेट फिल करना है। नेक्स्ट जोड़ा है एक्स सर्विसमैन वास्ते तुम्हें ए वाला सर्टिफिकेट फिल करना है। फिर है जोड़ा वो है एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट वाले वास्ते ये सर्टिफिकेट तुम्हें फिल करना है। उस तो बाद है स्वतंत्रता सेनानी के कोटे वाले जोड़े उम्मीदवार है उन्होंने वास्ते सर्टिफिकेट ये तुम एनेक्चर फिल करना है। नैक्सट जोड़ा है PWD वाले वास्ते, ठीक है, जोड़े अंगहीन है उन्होंने वास्ते। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेके जाने, मैं फिर भी एक बार रिपीट कर देने कि कहड़े कहड़े डॉक्यूमेंट्स तुम्हें चाहिए है। तुम्हें चाहिए होएगी 10th की मार्कशीट जिंदे तुम्हारी बर्थ डेट होवे, नाले की होवे, नाले पंजाबी तुहाडे कोल सब्जेक्ट सीगा ए मैंशन होवे। ओके, एक तुहानू चाहिए होगी 12th की मार्कशीट, एक चाहिए होएगी ग्रैजुएशन की मार्कशीट। ओके, इस तो अलावा चाहिए होगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट तुहानू, ठीक है। इस तो बाद रह जाता है कि जिन्होंने जेडे भी रिजर्व कैटेगरी तो है लाइक OBC वाले SC ST वाले या EWS सर्टिफिकेट वाले उन्होंने आपके सर्टिफिकेट चाहिए है। उस तो बाद आता है कि जिन्होंने कोई जॉब छड़ी होवे एक्स सर्विसमैन है या फिर जेडे है कि जेडे अपंगता वाले हैं PWD वाले वास्ते उन्होंने वास्ते डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जेडे परफॉर्मा है वो तुम इस PDF में साढ़े टैलीग्राम चैनल तो लै सकते हो। टैलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जूगा। तो वीडियो देखने लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।